किशनगंज के जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिला पदाधिकारी ने इस निरीक्षण में मुख्य रूप से कार्यालय में कर्मियों की उपस्थिति, साफ सफाई, कार्यालय कार्य संस्कृति और आम नागरिकों के लिए सुविधा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर परिषद कार्यालय निरीक्षण के दौरान 30-35 कर्मियों में से मात्र 4 कर्मी ही उपस्थित पाए गए। किशनगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद इंद्रदेव पासवान ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर अनुपस्थित कर्मियों के वेतन में कटौती का निर्देश दिया। 10:30 बजे मुझे टेलीफोनिक सूचना मिली, माननीय जिला पदाधिकारी नगर परिषद कार्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। तत्क्षण 5 मिनट के अंदर मैं भी कार्यालय पहुंचा। कार्यालय में मात्र 4 कर्मी उस समय उपस्थित थे, बाकी लोग कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। जो खेत का विषय है, मैंने कैमा पूर्व भी कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित सूचना दिया था, जो कार्यालय कर्मी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं और मनमाने रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। तत्क्षण कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय कर्मियों को ससमय उपस्थित कार्यालय में होने का आदेश निर्गत किया गया, लेकिन उसके बावजूद कर्मियों की लापरवाही आए दिनों देखने को मिलता है। इस समय खुद भी छूत था। यह हमारे लिए, किशनगंज के लोगों के लिए खुशी की बात है कि जिला पदाधिकारी महोदय स्वतः विभाग के कार्यालयों में घूमकर निरीक्षण कर रहे हैं और जो त्रुटियां मिल रही है उसे दुरुस्त। कितने कर्मी उपस्थित पाया गया ड्यूटी से? मात्र 4 कर्मी ही उपस्थित थे। कुल कितने कर्मी उपस्थित रहते हैं? करीबन 30-35 कर्मी हैं, जिसमें से 4 ही उपस्थित थे। मैंने तत्क्षण कार्यपालक पदाधिकारी को इस आशय का एक पत्र दिया है कि माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा और निरीक्षण के दौरान कर्मियों की अनुपस्थिति खेदजनक बात है, इसलिए उपस्थित तमाम कर्मियों को सांकेतिक रूप से एक दिन का वेतन काटते हुए कारण पीछा जारी की जाए। निरीक्षण के दौरान RTPS काउंटर पर कर्मी के उपस्थित नहीं होने के कारण काउंटर बंद मिला, जिस पर जिला पदाधिकारी खासा नाराज दिखे। नगर परिषद की व्यवस्था से नाराज DM ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार से सभी कर्मियों की ड्यूटी के संबंध में जानकारी लेकर उनको आवश्यक निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी द्वारा 10 बजे प्रवाहन में जिला के सभी जो जिला स्तरीय कार्यालयों में सर के द्वारा निरीक्षण किया गया, उसी क्रम में जो है 10 बजे के आसपास नगर परिषद किशनगंज में भी सर का निरीक्षण के दौरान यहाँ आगमन हुआ। उसी दौरान सर यहाँ पर कुछ कर्मियों को अनुपस्थित पाए और इसी दौरान हम लोगों को भी निर्देश दिया गया, जो आप लोग सभी कर्मियों का एक 5 बजे संध्या में मीटिंग करना है, तो उसी मीटिंग में सर भी रहेंगे यहाँ पर, और इससे संबंधित साफ सफाई के रिलेटेड भी बहुत निर्देश दिए। और RTPS काउंटर के बारे में भी पूछे तो RTPS काउंटर तो हम लोग यहाँ चालू है, लेकिन जागरूकता के अभाव में यहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा है, लोग कम ही आ पा रहे हैं, क्योंकि जन्म मरण संबंधित जितने भी पहले कार्य होती थी नगर परिषद से, तो वो तो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के स्तर से चला गया है। इस रिलेटेड उस संबंधित आवेदन भी अब कम ही आते हैं, और अन्य जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी RTPS काउंटर पर आवेदन आता था, वो भी आधार कार्ड का भी काम बंद पड़ा हुआ है ऊपर के स्तर से ही, उसमें कोई निर्देश नहीं प्राप्त लिया। और अन्य जितना भी जाति और आवास संबंधित आता है, तो उसका तो यहाँ पर आवेदन स्वीकार किया जाता है और उसका अपलोड भी किया जाता है, संबंधित विभाग को भेजा भी जाता है। भीतर काटने का भी निर्देश दिया गया अनुपस्थित कर्मियों का? अनुपस्थित कर्मियों का ऐसा सुने जिलाधिकारी सर के, कोई लिखित में अभी पत्र नहीं आया है तो अनुपस्थित कर्मियों का, लेकिन कार्यालय से सूची मांगी गई है, सूची सर को उपलब्ध कराया गया। नगर परिषद कार्यालय के निरीक्षण के बाद तुषार सिंगला ने जिला निबंधन कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कार्यालयों में कर्मियों की अनुपस्थिति और निबंधन कार्यालय में लापरवाह कार्यशैली पर DM ने खेद प्रकट किया। जिला अवर निबंधक भी औचक निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं थे, परंतु सूचना पर भागते हुए कार्यालय पहुंचे।
निरीक्षण के अंत में जिला पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचे और वहां भी कार्यालय में कर्मियों की उपस्थिति, साफ सफाई आदि का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।